व्यूअर्स, दिस इज मानू रुमन एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो पूजो तो जी। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमें कृष्णनगर बाजार में और हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पर आएँ और लोगों से बात करें। तो आज का जो हमारा सवाल है वो है कॉमन सेंस का सवाल। एक चीज़ है जिसकी आँख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, और हिंट भी दे देती हूँ कि अम्मियों के पास होती है ज़्यादातर और वक्त मिलने पर मिलती भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस रियाज। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती। हाउसवाइफ? हाँ जी। अच्छा, अभी बाजार में शॉपिंग के लिए आई हैं? जी, मैं शॉपिंग के लिए। तो खरीदारी कर ली है? नहीं, अभी नहीं की। क्या लेने आई हैं? ये थोड़ा बहुत लेना, ये बर्तन वगैरह? नहीं नहीं, बर्तन नहीं लेने, ये डाइनिंग का। अच्छा ठीक है, कवर लेना है। ठीक है, यहीं पे इसी इलाके की है? नहीं, मैं बड़े सांद में रहती हूँ। जबरदस्त, सही। आप परेशान लग रही हैं, किसको वोट देने वाली हैं? मैं तो कह रही हूँ किसी को ना दूँ। ये तो गलत बात है, आप वोट नहीं देंगी तो फिर आप गिला करेंगी कि हालात नहीं ठीक हो रहे। तो दें, सारे तो ऐसे हैं, कोई भी ठीक नहीं लगता आपको? है, क्या है जरा मुझे बताओ ना। सारे लुटेरे हैं इधर, कोई किसी का निजाम सही है? एक दुकान वाला कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, तीसरा कुछ बोलता है, तो इतनी महंगाई चढ़ाई हुई है तो क्या करे इंसान, पागल ही होने वाली बात है ना। तो किसका दिल नहीं करता? नहीं दिल करता, नहीं करता। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, चले मैं फिर आपसे सवाल कर लेती हूँ। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? एक आंख चीज है कोई घर में इस्तेमाल होने वाली, वो कौन सी चीज है देख नहीं सकती? नहीं पता। क्या पैगाम क्या देना चाहेंगी देखने वालों को? वोट ना दें? यही मैं कहूंगी कि महंगाई बहुत है, तो जिसको भी दें वो अपनी हुकूमत करते हैं, कुछ भी नहीं करते। देखे मुल्क कैसे चल रहा है। तो आप ना इस तरह, आप इस तरह कीजिएगा, आप अपने हलके में जाइएगा, आंख बंद करके वोट डाल दीजिएगा। चले, मेरा बेटा कह रहा है कि तरीके लग बैग को डाले तो फिर उधर ही डालूंगी मैं। चले, वो कह रहे इस्लाम को डालना है, तो हस्बैंड तो मेरे जो है नून लीग के हैं, तो मैं तो हस्बैंड की आप पे चलती नहीं है? नहीं क्यों? मैं अपनी मर्जी की मालिक, वो अपनी मर्जी के मालिक। वो कहते हैं नून लीग को डालो, तो लेकिन वो मेरा बेटा कहता है इस बार उसको डालना। मैंने कहा चलो, कहते नहीं है तेनू कसम लगे मेरी? नहीं, वो नहीं कहते। ऐसी बात ही नहीं है, मैं भी बोल के आई हूँ, मैं कहा किसी को भी नहीं डालना। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं कि मैं जो है वो फिर घर में नहीं रहूँगा, घर छोड़ दूंगा? ऐसी बात नहीं है, मेरा मियाँ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं, क्या अच्छी बात है उनमें? उनमें बहुत अच्छी बात है, मेरे से बहुत अच्छा है। आदत क्या अच्छी है? आदतें अच्छी हैं, 45 साल शादी को हो गए हैं, बहुएं हैं, बेटे हैं, पोते पोतियाँ हैं, बहुत अच्छे हैं उनके साथ। अपनी बहू से ज़्यादा प्यार करती हैं या बेटी से? मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ। बहू बेटी होती है या अपनी बेटी बेटी होती है? अपनी बेटी भी बहुत अच्छी होती है और बहुएं भी बेटियाँ ही। ऐसा होता है ना, हम फ़र्क करते हैं बहू बेटियों में। नहीं, मैं नहीं करती, मैं तो जो कपड़े लाऊँ तीनों के लाती हूँ, एक जैसे लेके देती हूँ। एक जैसे लेके देती? मैंने कभी बेटी को लहदा नहीं दिया। बहू कह दे कि नहीं अम्मी पसंद नहीं आया, फिर? तो फिर उसको कहें तुम और ले लो, और कलर ला देती हूँ, जो आपको कलर पसंद है आप मंगा ले। अभी तक आप खुद ही कर रही हैं? मैं खुद ही करती हूँ। अल्लाह आपको हिम्मत दे और इसी तरह आप करती रहें। निज़ाम चलाती हूँ, मेरे दो बेटे हैं और बेटा मियाँ रिटायर हैं, टेलीफोन के महकमे से रिटायर हो गए हुए हैं, अब बेटे दोनों जाते हैं जॉब पे। अच्छा, माशाल्लाह। तो खाना वगैरह भी खुद बनाती हैं? हाँ, कभी वो बना लेती हैं, कभी मैं बना लेती हूँ। हाँ, तो फिर बेटों को ज़्यादा आपके हाथ का खाना पसंद है या अपनी बेगम के? वो उन्होंने मुझसे सीखा है। ने को नहीं आता था? नहीं नहीं आता था, वो खुद भी कहती है हमें नहीं आता था ना, हमने अपनी सास से सीखा है। अच्छा, तो यानी अच्छी सास है? हाँ, मेरी बहू भी तेरी तरह ही है, ऐसे ऊंची लंबी है। तो उन्होंने कभी बहू को आपने डांटा है? भी कभी कभी कहने में पड़ जाता है कोई थोड़ी छोटी मोटी बात, नाराज हो जाती होंगी। बस इसी तरह ही है, हम क्या कह सकते हैं, क्या पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। व्यूअर्स, आपने देखा, हमने इनसे ज़रा थोड़ी सी घरेलू बातें की, बहू बेटी और सास वाली। वो ड्रामा आपने देखा होगा पुराना बचपन में, कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो चलिए हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इब्रार। इब्रार, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं? यहीं इस्लामपुरा में। इस्लामपुरा में दुकान में किसी? जी। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं इब्रार, पढ़ाई क्या की हुई है? 10 पढ़ा हुआ है। आगे पढ़ने का इरादा नहीं है? बस कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से। ठीक है, वेरी नाइस। जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ क्या करना चाहते हैं? ये घर वालों के लिए अच्छा करना चाहता हूँ मैं। घर वालों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। चले, मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है कॉमन सेंस का,
कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती। आइडिया कौन? आइडिया नहीं। क्या सुनाना चाहते हैं आज आप हमें? गाना गाएंगे? सॉन्ग सुनाए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद तुम। बस बस ये गाना था? ये तो शेर आपने गाया है। बस इतना ही आता। कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि सबके लिए आप अच्छा करें और लोगों की हेल्प करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा कि बड़े ही मासूम से लग रहे थे और यहाँ पे काम करते हैं, गाना तो गा नहीं सके हैं, तो चलें कोई बात नहीं, हम चलते हैं बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? उमेर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ पीडीसीएल में। इस प्यारी सी बच्ची का नाम क्या है? नाम महमल है। कौन सी? ये 1 ईयर की हो गई है? नहीं, ये 9 मंथ की है। 9 मंथ की है, माशाल्लाह हाइट अच्छी है बच्ची की। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त बाजार में क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है यहाँ पे और मैं वैसे ही इसको लेके घूमने के लिए आया। ऊपर है घर? नहीं, मेरा घर आगे है। अच्छा, गली में है। हाँ जी, ठीक है। तो बाजार में जब घर होते हैं तो मुश्किल नहीं होती? आवाज़ें बाइकों की, गाड़ियों की, मसला नहीं होता? होती है, लेकिन उतनी आसाइशें भी हैं, हर चीज़ यहाँ पे करीब है और करीब ही मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है ना इस वजह से सोसाइटीज़ में शिफ्ट नहीं हो पा रहे कि सहूलत है, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, चलें मुझे ये बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी एक आँख होती है मगर वो देख नहीं सकती? बताओ जी। इसको क्या पता 9 माह की बच्ची को? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको भी नहीं पता? No. क्या पैगाम देना चाहते हैं? किसको? देखने वालों को। देखने वालों को, देखने वालों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जो है अपना वोट जरूर दें और इमरान खान साहब को दें। ठीक है, क्यों दें ये भी बता देना, लोग कहेंगे क्यों दें? इमरान खान साहब ने अवाम में शऊर पैदा कर दिया है, ठीक है, तो इसलिए वोट उनको ही देना चाहिए। जी बेहतर। चलें बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स इलेक्शन करीब है, लोग चाहते हैं कि वोट खान साहब को दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि नून लीग को दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि तीर के निशान पे ठप्पा लगाएं। तो आपने देखना है कि आपने क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शमा। शमा, शमा मुझे बताएं इस वक्त क्या कर रही हैं बाजार में? मैं अपना काम कर रही हूँ। काम कर रही हैं। मुझे बताएं शमा, आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, रेड लिपस्टिक भी लगाई। थैंक यू, थैंक यू। बताएं वोट किसको डालेंगी? मैं शेर को। शेर को? आप तो जवान लग रही हैं। जवान का क्या मतलब है? मतलब वो है ना, या आजकल की जो यूथ है वो खान साहब को वोट डाल? सर झूठ है। नो, यूथ नहीं है, ये झूठ है। अच्छा, सियालकोट के जलसे में देखना था कि नवाज शरीफ के जलसे में कितने यूथ थे? नहीं थे। कितने थे? थे। आप गई थी? मैंने कल टीवी पे देखा है। अच्छा, तो आप जब जलसे होते हैं तो आप जाते हैं? हाँ, मैं अब जा रही हूँ ये अनारकली वगैरह में। अनारकली वगैरह शरीफ आ रहे हैं हमारे लीडर। अच्छा, तो पहले लोग कहते थे कि नवाज शरीफ लंदन से वापस नहीं आएंगे, तो देखें आ गए। देख लो, लोगों को, लोग झूठ बोलते थे वो उन्होंने सच करके दिखा दिया। ठीक है, तो आप फिर आपका वोट नवाज शरीफ को है? जी यस, नवाज पीटीआई को नहीं देंगे? नो। तो वो कुछ लोग हमें मिलते हैं तो वो कहते हैं कि क्या हो गया अगर नवाज शरीफ ने थोड़े पैसे खा लिए हैं तो? उनके पास सबूत है? सबके पास है सबूत। किसके पास? अगर सबूत होता तो अदालतें उनको बरी करती। अच्छा ठीक है, तो वो खान साहब ने वाकई कोई गुनाह किया है जो वो जेल में है? ये वो ही जानेंगे जो जज बैठे हुए हैं। खान साहब के लंदन में फ्लैट्स हैं? मुझे नहीं पता। मुझे पकड़वाना है। देखा, भागे ही है, शमा शमा की तरह थी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। सलाम अलैकुम। सलाम। क्या नाम है? मेरा सैयद हमजा। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मैं आर्ट्स। आर्ट्स पढ़ रहे हैं। इस वक्त बाजार में क्या कर रहे हैं? बाजार में पार्ट टाइम शॉप पे भी आता हूँ मैं। शॉप पे भी आते हैं? अपनी शॉप है? अपनी है। जबरदस्त, ये अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी चीज है, इस वक्त आपकी दुकान में भी है, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? जिसकी एक आंख होती है देख नहीं सकती, दुकान ही की चीज है ऐसी तो कोई चीज? आपकी दुकान में वो चीज इस वक्त मौजूद है? कैमरा है? नो। है कैमरा? कैमरे लगे हुए हैं। हाँ जबरदस्त, कैमरे क्यों लगाए हुए हैं? औरतें लेसे उठा के ले जाती हैं? कुछ उठा के ले जाती हैं कसम से। बड़ा कुछ लेसो, छोटी मोटी चीज है। क्या उठा के ले जाती हैं? आजकल लाते 2 रुपए फेंके वो उठा के ले जाएंगे। मुझे बताएं, दुकानदार हैं आप, शक्ल सूरत से भी अच्छे हैं। जी बिल्कुल। कोई दिल तो नहीं चुरा के ले गया आपका कभी? नहीं, दिल तो देना ही नहीं है, धोखेबाज है सब। क्यों? बस सादी धोखेबाज है। दिल किसी को दिया तो धोखा मिला है ना। हम खुद धोखेबाज है, किसी को क्या कहना है।
लड़के धोखेबाज होते हैं? लड़कियां लड़के सब एक से हैं। नहीं, लड़कियां तो नहीं होती धोखेबाज। लड़कियां सबसे ज्यादा धोखेबाज होती हैं। हम लड़के होते हैं ना, एक जींस में 6 फंक्शन अटेंड कर लेते हैं। हाँ। आप एक लड़की या दूसरी लड़की को देखकर जेलस फील करती हैं कि इसने मेकअप क्यों किया हुआ है। सबसे ज्यादा आपको लगता है वो सामने वाली लड़की मुझसे जेलस हो रही होगी? बिल्कुल हो रही होगी। आप अच्छी पोस्ट होंगी, लड़की पोस्ट भी होगी, वो भी जेलस बन है। अच्छा चलिए मुझे बताएं, वो भी एक एंकर ही है? वो होंगी, वो आपको काटने के लिए आगे निकलती होंगी। हर कोई एक दूसरे को काटने के लिए आगे निकलता है। ये बात तो है, आपकी दुकान में भी ऐसे होता है? ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अभी आपको दूसरे एंकर ज्यादा पोस्ट पैसे देंगे और दूसरे चैनल में चली जाएंगी। अच्छा सब पता है आपको? बिल्कुल जाएंगी। अच्छा जबरदस्त, पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? बस छोड़ दें जो भी पढ़ रहे हैं। बड़ी आपने चेन्स में पहने हुए हैं ये कांटे कुंटे? इसी से रिलेटेड पढ़ाई है मेरी। क्या? इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड है जी। क्या? आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स। अच्छा यानी कि आप डिजाइनर बन रहे हैं? बिल्कुल। नाइस, मुझे ये बताएं कि आप के घर वाले आपको कहते नहीं एकी पाया है? अपनी कुछ कहते, पहले बोलते थे। पहले बोलते थे? कहते नहीं आते बुढ़िया का काम है? कोई नहीं, तो लड़कियां भी तो लड़कों वाले फैशन कर रही हैं, बॉब कटिंग करवा रही हैं, पैंट शर्टें पहन रही हैं। मुझे क्यों देखा आपने? मैंने तो सलवार कमीज पहनी हुई है। आपने इस टाइम पहना है तो पट्टा भी लिया? आपने इस टाइम पहना तो मैंने और किस टाइम पहना होता है? एक स्टाइल शॉल वाला है। अच्छा तो क्या करूँ, उसको सर पे ले लूँ? बात करो ना, जैसे आपने बात की वो स्टाइल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। चले ठीक है, मुझे बताएं वोट किसको देंगे? वोट मियां मोहम्मद नवीशा नवाशी साहब। थत्ते हो गए आप तो। आदमी है मेरा, शरीफ आदमी को कोई वोट नहीं दूंगा मैं। उसको दूंगा जो जेल में करप्ट है, क्योंकि मैं खुद करप्ट हूँ, मैं उसको करप्ट को वोट दूंगा। ये बहुत शरीफ आदमी है, मक्के की टोपियाँ बेचते हैं, जाति मुद्दा में रहते हैं, और इसलिए उन्होंने जाति मुद्दा नाम भी रखा हुआ अपनी बिल्डिंग का। शरीफ आदमी है, उनको कभी आप करप्ट, आपके लीडर करप्ट, फिर वोट दूंगा जो डियाला में बांध है। तो फिर मेरी बात सुने, मुल्क का क्या होगा? मुल्क का जो हो रहा है वही होगा। तो फिर हम क्यों दे करप्ट को वोट? करप्ट को दूंगा ना, करप्ट आएगा तो शायद करप्शन कम करे। करप्ट आके करप्शन कैसे कम कर सकता है? किताबों में करप्ट है, मेरी किताब में करप्ट नहीं है ना, वो लोगों की किताबों में करप्ट है। ठीक है, तो उनको डर लगा हुआ कि 14 जमातें एक तरफ है, इतना घबरा रही है कि उसका कोई झंडा लेके निकलेगा, उसको अंदर कर दो, उसका कोई पार्टी का वर्क, यहाँ पे फ्लैक्स लगी हुई, कोई एक फ्लैक्स नजर नहीं आएगी। पूरी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं किसी को ना पकड़ो, हैं तो मशीनरी पूरी गवर्नमेंट की इस्तेमाल हो रही है, नहीं हो रही क्या? फ्लैक्सो वालों का कारोबार बढ़ गया। फ्लैक्सो वालों को भाई ने हदायत की हुई है कि पीटीए की फ्लैक्स छपे तो आपका कारखाना सील हो जाएगा, या हम आपको पैसे देंगे। पूरी डील हुई हुई है। डील हुई हुई है, सबको पता है, आपको भी पता है। अच्छा चले ठीक है, चलेंगे जो आपको हिदायत होगी, नहीं तो आपकी जॉब खतरे में है, मैं आपको सही बता दूं। चले बिल्कुल नहीं, मुझे ये बताएं कि मैं तो उसको वोट दूंगी ना कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर कर सके। बिल्कुल, वो एक लोग ऐसे भी हैं कि जो वोट कहते हैं हमने वोट देना ही नहीं है, तो वो नहीं देंगे, उसी को डलेगा 14 को जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो उनका वोट डर है जो मरे हुए हैं। पिछली दफा मेरे घर के 27 वोट डले हैं, घर में 9 अफराद हैं, वो कैसे? अच्छा तो फिर क्या किया आपने, कर सके आप? कोई नहीं बोल सकता, हमारे मुल्क में कोई भी। फिर आपके वोट डालने का क्या फायदा? तो घर बैठ जाते हैं, हाथ बांध के ही कर सकते हैं, चूड़ियां पहन लेते हैं, आप छोड़ दें मैं पहन लेता हूं। पहने तो वे कांटे आपने, तो चूड़ियां बाकी रह गई हैं, वो भी पहन लेता हूं मैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम क्या देना है, बस देखें गरीबों का लिहाज करें, नहीं तो आप तो वो कह देंगे कोई गरीब नहीं रहने देंगे, इसका मतलब ये आप सारे गरीब मार देंगे, लेकिन असल में गरीब का लिहाज करें। गरीब मर गया, 1000-1500 रुपये का दिहाड़ी का बंदा कुछ नहीं कर सकता। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, 4 छुट्टियों की, 4 दिन के घर में फाके होने हैं, आप लोग ये सोचें। चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा, नौजवान नस्ल बहुत गुस्से में है, तो सोच समझ के अपना वोट कास्ट करें, और हालात बड़े ख़राब हैं, अपने आप को ठीक करें। इनफरादी तौर पे हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, हम ठीक होंगे तो हुकूमत भी ठीक आ जाएगी। हम करप्शन खुद करते हैं और फिर हम गिला कर सकते हैं हुकूमत करप्ट है। चाहे जो मर्ज़ी आए, उससे पहले आपने अपने आप को ठीक करना है, मैंने अपने आप को खुद ठीक करना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? वसीम अहमद। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, तो मुझे बताइए इस वक्त बाजार में क्या कर रहे हैं? बाजार में पार्ट टाइम काम करता हूँ। ठीक है, अभी वो आपसे पहले एक नौजवान थे हमारे, जवान, तो कहते हैं यहाँ पे जो है ना फ्लैक्सें सिर्फ नून लीग और वो लगी हुई है तीर की, तो पीटीआई की नहीं लगी हुई है। वो तो नज़र आ रहा है, सच है ये? बिल्कुल सच है, हर जगह ये है, खाली यहाँ नहीं, हर जगह ये है। आप किसको वोट डाल रहे हैं? मैं हमारे इलाके में जो खड़ा हो रहा है मियाँ सब खड़े हो रहे हैं, हम इंशाल्लाह उन्हें वोट डालेंगे, मियाँ सब को। ठीक है, उनको वोट डालेंगे। कौन सी पार्टी से ताल्लुक है उनका? पीटीआई से ही है, हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब। अच्छा, हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब हैं, ज़बरदस्त। ठीक है, तो अभी तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया क्योंकि नामवर शख्सियत थी, तो इन्होंने जितनी नामवर शख्सियत हैं सबको वोट से बाहर कर दिया, इलेक्शन से बाहर। लगता है वोट डालने का फ़ायदा होगा?
बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर देखें ना, अब के तो जो चीज़ जाहिर की गई है कि कब्रिस्तान से मुर्दे भी वोट डालेंगे। अच्छा, मुर्दों की भी मर्दशुमारी हो गई है ना, उनके भी वोट डालेंगे। अरे क्या बात है, मतलब मुर्दे बेचारे तो कब्र में हड्डियाँ हो गए। वो तो हड्डियाँ हो गई, लेकिन वोट डालने वाले तो डालेंगे ना। अच्छा। ये तो आपको भी पता है किसने डालने हैं, और हमें भी पता है। सारे मेरे पे आ जाते हैं, मुझे कहते हैं आपको भी पता है, आपको भी पता है। सबसे ज्यादा जितना मुझे पता उतना आपको भी पता है। जितना मीडिया को पता होता है ना, उतना हम लोगों को उतना नहीं पता, लेकिन फिर भी काफी अवेयरनेस आ चुकी है हम लोगों को। ठीक है, चले हम आपसे एक क्विक सा क्वेश्चन करेंगे, हम आपकी कॉमन सेंस भी टेस्ट कर लेंगे। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? एक आंख होती है और वो देख नहीं सकती। मैं तो इंसान ही कहूंगा दो आंखें हैं लेकिन फिर भी नहीं देख सकता। अंधा है। अंधा है। ठीक है, तो चले मुझे बताएं पैगाम क्या देना चाहेंगे देखने वालों को। पैगाम ये दूंगा, देखो जी अपना वोट जाया ना करना, क्योंकि वोट अगर आप डालने नहीं जाएंगे तो वो वोट कास्ट हो जाएगा। वो किसी भी नामवर शख्स को कास्ट होगा या जिसको आप नहीं पसंद करते उसको कास्ट होगा। लेकिन अपना आपने वोट जाया नहीं करना, वोट लाजमी डालना है। अपने पसंदीदा शख्स को डालो, वोट जाया ना करें। बस मेरा पैगाम ये है, आप निकलें और ज़रूर निकलें वोट डालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स, आपने इनको सुना और इन्होंने कहा कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें और ज़रूर वोट डालें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। आई होप हमारे पाकिस्तान का जो है वो अच्छा ही हो, भला ही हो, हम सब के लिए, गरीब आवाम के लिए और तमाम लोगों के लिए। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं कृष्ण नगर बाज़ार में। बड़े प्यारे लोग हैं, दुकानदार भी हैं और थोड़े हालात से परेशान भी है, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम लोगों से बात करेंगे और आज का सवाल भी करेंगे। सवाल हमारा आज का ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी एक आँख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती है। तो वैसे कुछ लोग जो है ना, वो बड़ी तेज़ तराज आँखों वाले होते हैं, बड़े तेज़ होते हैं, चार आँखें भी होती है अगर किसी ने चश्मा लगाया हो तो। हम बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? अब्दुल बासित। क्या करते हैं बासित आप? जॉब करता हूँ और साथ साथ पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई क्या कर रहे हैं? BSIT। BSIT कर रहे हैं। IT का बड़ा ज़्यादा होता जा रहा है रुझान, ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है। किसके कहने पर चूज़ किया था? अभी तो स्टार्ट करना है, अभी तो अभी अपना काम करूँ ना साथ साथ, तो साथ साथ वो करूँगा। टाइम नहीं निकला अभी पढ़ाई के लिए, स्टार्ट करना है अभी मैंने। ठीक है, यहीं के रिहायशी है कृष्ण नगर के? हाँ जी, कृष्ण नगर के आउटफर रोड पे मेरी रिहायश है। अच्छा, वेरी नाइस। चले मुझे ये बताएं कि और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, अपना दिन कैसे गुजारते हैं, क्या करते हैं? दुकान है मेरी अपनी, मैं उधर आ जाता हूँ और फिर बस घर। तो हालात सही हैं कारोबार के? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, चलें शुक्र तो आप कर रहे हैं अल्लाह का, लेकिन लोग तो बड़ा परेशान हैं कारोबारी हजरात। तो पड़ता है, ये नहीं कहते कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, पर हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। किस चीज़ की दुकान है? क्रॉकरी की। क्रॉकरी की दुकान है, ख़वातीन और औरतों की, माओं की फेवरेट चीज़? सब कुछ ही फेवरेट होता है। मैंने देखा ना, क्रॉकरी बड़ी फेवरेट होती है लोगों। कलर वो बहुत कहती हूँ, ये कलर होना चाहिए इसका, ये कलर होना चाहिए, कलर में वो बहुत होते हैं। अच्छा, चले मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी एक आँख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? कॉमन सेंस इतनी बड़ी नहीं है। कॉमन सेंस नहीं है जी। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे जब कोई आपसे पूछता था? बचपन टीचर बनना चाहता था। टीचर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए? नहीं, वो अब शौक नहीं रहा उसका, शौक नहीं है। तो आप मुझे बताएं कोई अभी बाजार का या कोई आपकी दुकान पे कोई ऐसी औरत आई हो कि दिलचस्प वाकया शेयर करना चाहें? औरत तो कोई ऐसी कोई औरत नहीं आई। कोई ऐसा वाकया आपको याद है, दिलचस्प वाकया आपकी ज़िंदगी में कोई हुआ हो? अभी ये पिछले दिनों हुआ था, एक कस्टमर आया था मेरे पास, आके उसने मेरे थर्मस बोतल ली थी, कहता उसे मैं 300 पकड़ाया, कहता मैंने आपको 1300 पकड़ाया। वो मैंने उसको कहा मेरा आपने पकड़ा, मेरे पास होते थे, मैंने कहा आपको मैं देने ही थे, कहता नहीं आपने गले में रख दिया, मैंने कहा गले से जाके देख लो। अच्छा ठीक है, यानी कि ये ज़्यादातर इस तरह के वाकयात होते हैं? वो कहता कैमरा, मैंने कहा अब कैमरा लगेगा इंशाल्लाह, आप जैसे जब लोग आएंगे फिर कैमरा लगेगा। तो आप कैमरा लगवा लें अब इंशाल्लाह लगवाना है। चलें, कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम पाकिस्तान के बारे में बेहतर सोचें, बस। बस वो कैसे सोचें, बस सोच के सो जाएं? नहीं, सोए ना सोचें, अमल करें, हम खुद गलत हैं। हम खुद गलत हैं, मैं मुझ समेत
हम कोई चीज़ भी खाते हैं रैपर सड़क पे फेंक देते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते खुद ही। सफाई का ख्याल रखने से हालात बेहतर हो जाएंगे? होंगे क्यों, हालात इंसान का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना। कुछ ए टू जेड उसमें मैं भी शामिल हूँ, हर बंदा शामिल है, आप भी शामिल है। बाहर के मुल्क जाने का मौका मिले रहने के लिए हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें यही मोहब्बत हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, गुफ्तगू आपने इनकी सुनी और ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। जब ये हालात बेहतर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मिसेस रिजवाना अली। बड़ी जज्बाती लग रही थी आप अभी, मैंने कहा चले मैंने अपने पकौड़े खाते हुए छोड़ के मैंने कहा आपसे मैं बात कर लूँ। आपको पकौड़ों से हटा के ना एक बात कहना चाहती थी, तो मैंने कहा पकौड़े बाद में खाइएगा, ठीक है। हम एक बात करना चाहूँगी जी, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? पता तो है कि हुकूमत ने क्या किया है, किसने आना है, तो इतना ड्रामाबाजी करने की ज़रूरत क्या है? हम आपके हुकूमत से कहना चाहते हैं कि अब चाहे हम वोट दें ना दें, आना तो नवाज शरीफ ने ही है, ठीक है ना, वो सबको पता है कि उन्होंने आना है। आप माशाल्लाह बड़ी पर्देदार खातून लग रही हैं। देखिए यहाँ पर आ गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो निकलना थोड़ी मना तो नहीं है, मना नहीं है, तो मैं सिर्फ आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए हमने अपना फर्ज तो निभाना है ना, फर्ज तो निभाना है। हमने तो किसी सही बंदे को वोट देना है ना, हमने तो अपनी कोशिश करनी है, अल्लाह ताला ने पूछना तो है ना हमसे कि तुमने अपनी कोशिश की, कोशिश की। हाँ। बिल्कुल हम तो कोशिश करेंगे, लेकिन जो चीज़ एक पहले से डिसाइडेड है उसको उछालने की क्या जरूरत है, वो तो डिसाइड ही। बात तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इनफरादी तौर पर आपने तो अपनी कोशिश करनी है ना, हम तो करेंगे ना। वोट जाया कैसे कर सकती हैं आप? वोट तो जाया नहीं करेंगे, पहले भी नहीं जाया किया था, लेकिन एक चीज है कि वो चीज़ तो इन लोगों ने पहले डिसाइड किया हुआ है क्या होना है। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ जो है ना इतना जो ना हुकूमत आवाम को बेवकूफ और मजीद क्यों बना रही है? अब ये लोग जान ले कि अब आवाम जो है ना बेवकूफ नहीं बनेगी, आवाम को पता है सब कुछ डिसाइड हुआ हुआ है, और जो है ना चाहे हम दे ना दे आना उसी ने, बस किराया लग जाएगा जाके वोट देंगे। किराया लगना है एक, और दूसरे ना हमारी आवाम के जो है ना वो कहते ना जज्बानी की बिरयानी की प्लेटें भी मिलेंगी ना यार, दफा करें बिरयानी की प्लेट, हमारा मुल्क अरक हो रहा है और यहाँ हम बिरयानी को रो रहे हैं बैठ के। बिल्कुल ऐसे, इसका हल ये है कि घर में बिरयानी बना ले, घर में बिरयानी बना ले और सब लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के खा ले। हम आप अपना वोट किसको देंगी? पहले तो जब स्टार्टिंग था ना तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा को दूँ जी, और जब मेरा वोट उसी दौरान बना था, मैं उस टाइम पे ना मेरा वोट बना था, और अल्लाह ताला ने जब मैं उनको देने के लिए आगे आई हूँ तो वो शहीद हो गई, वो फिर हमने उनको नहीं दिया, हमारी पार्टी ख़त्म हो गई, फिर एक नई राह निकली, हम इसको आजमाएं इमरान खान को। अब उनका जो हाल है वो भी सबको पता है, अब तो हम किसी को भी नहीं सोच। अभी आप किसको वोट डालने वाली हैं? अब हमारा जहन है कि हम लब्बैक को डालें, कम अज़ कम इस्लामी उसको तो कुछ जाए ना, लेकिन नवाज शरीफ को तो कभी भी नहीं देंगे, जो दे रहे हैं वो बेवकूफ़ है, जो दे रहे हैं नवाज शरीफ को चोरों को दोबारा लेकर आ रहे हैं चोरी करने के लिए। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमने थोड़ी सी ब्रेक ली थी और हमने सोचा था कि चले हम भी थोड़ी मंचिंग कर लें, थोड़े से पकौड़े खा लें, सामने ऐसे बाज़ारों में आए और पकौड़े की दुकान नज़र आए तो फिर दिल तो ललचाता है। तो ये खातून हमें मिली, उन्होंने कहा कि मैंने अभी बात करनी है और मैं अपना पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा चलिए हम इनसे भी बात कर लेते हैं। बातें आपने उनकी सुन ली, लेकिन एट दी एंड यही है कि आपने अपना वोट ज़ाया नहीं करना, आपने अपनी कोशिश ज़रूर करनी है, चाहे लोग ये कहे कि सिलेक्टेड चीज़ें आ रही हैं हो या होना वही है जो डिसाइडेड है, तो वो तो सबको ही पता है, लेकिन आपने अपनी तौर पे पूरी कोशिश करनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। क्या करते हैं आप? ज्वेलरी की दुकान है। ज्वेलरी की दुकान। कितने अरसे से कर रहे हैं काम? 50 ईयर्स से। मुझे बताएं कैसे हालात हैं, कारोबारी हजरात जो है वो बड़े परेशान है? ठीक है अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अल्लाह मेरी रिस्क दे रखा है, गुजारा हो रहा है, करम ठीक है। तो मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? नहीं मालूम। मुझे बताएं कि वोट किसको डालेंगे आप? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को? क्यों? क्यों से मुराद आपकी क्या है? क्यों से मुराद के ऐसा उन्होंने क्या किया है कि आप उनको वोट डालेंगे? उन्होंने कौन सा ऐसा क्या नहीं किया वो आप बता दें। मुझे वो कह रहे थे कि उन्होंने लूटा तो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हजरात थे, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने लूट लिया है
तो क्या हो गया, उन्होंने लूट के अपने घर ही बनाए हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसने कहा है यार? ये आप ही की तरह एक बुजुर्ग हजरात थे, उन्होंने कहा। उनका नजरिया होगा, मेरा नजरिया नहीं है। आपका नजरिया क्या है? मेरा नजरिया नवाज शरीफ है। और उनका नजरिया क्या है? इनका, नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ का नजरिया हम है। हमसे मुराद? हमसे मुराद हमारी जो पब्लिक है वो है। पक्की बात है? इंशाल्लाह ताला पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। हालात बेहतर हो जाएंगे नवाज शरीफ के आने से? बेहतर हुए हैं, हुए क्या, बेहतर छोड़ के क्या था, बेहतर करेगा, हो जाएंगे बेहतर। हाँ बेहतर कर, बेहतर छोड़ के क्या था ना, ये मानती हैं आपके नहीं मानती, ये बताइए पहले आप। बेहतर तो कभी भी नहीं था। नहीं, 2018 में जो हालात थे वो उसके बाद भी हुकूमत आ जाए, चाहे खान साहब आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आप आ जाए, खान साहब को इस मुल्क में काउंसलर नहीं बन सकते थे, जिनको जहाँ मनसब पे लाके बिठा दिया वो काउंसलर नहीं बन सकता था। फिर कसूर किसका था? किसका कसूर था? हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, और किसका कसूर था? एस्टैब्लिशमेंट का कसूर था। आपको नहीं पता किसका कसूर था? हाँ, जिन्होंने लाके बिठाया, वैसी कैसी फिल्म चलाई, कैसे कैसे किया, क्या क्या। अभी कोई फिल्म चलने वाली है या नहीं? कुछ नहीं चलने वाली, सारे हालात ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कोई फिल्म नहीं चलेगी? फिल्म नहीं चलेगी इंशाल्लाह। वोट नवाज शरीफ साहब को देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह उसका वोट देंगे। ठीक है चलें, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? नहीं कोई पैगाम नहीं, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, नवाज शरीफ के दौर में करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी बताना चाहता हूँ, शायद जी किसी ने बताई हो, जी इस मुल्क को किसने बताया, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, बताइए मुझे आप इस मुल्क को किसने बनाया, आप जवाब दीजिए ना मेरी बात का। कायदे आज़म कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। किसी जमात से ताल्लुक रखता था? किस जमात से ताल्लुक रखता था ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुस्लिम लीग। इस मुल्क को मुस्लिम लीग ने बनाया है और मुस्लिम लीग ही चलाएगी, समझ आ गई मेरी बात? जी। सारी बातों की सबकी बात की एक ही बात है, इस मुल्क को पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही इस मुल्क को चलाएगी। उस वक्त की और इस वक्त की मुस्लिम लीग ठीक है? बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। ठीक है, मतलब आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब सही? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपने देखा है, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे, वो जिस तरह छोड़कर गए थे मुल्क, अब जो ख़राब हो गया है अब वो वापस आ गए हैं, तो अब वो ठीक कर देंगे, तो आई होप ऐसा ही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? सैफुर रहमान। क्या करते हैं? कॉस्मेटिक की शॉप है मेरी। अच्छा, ज़बरदस्त, सही चल रहा है बिजनेस? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मुझे बताएँ कि क्या मसरूफियात होती है, सारा दिन क्या करते हैं? सारा दुकान पे लगे रहते हैं। दुकान पे लगे रहते हैं, गाहक का इंतजार करते रहते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, गाहक आता ही नहीं है। बड़ा किसने की है महंगाई? महंगाई नाम ले लें फिर, इमरान खान का ही है। अच्छा, खान साहब ने की है महंगाई, वो तो बेचारे जेल में। वो बेचारे कहाँ से आ गए? कौन बेचारा है फिर? नवाज शरीफ बेचारा है। नवाज शरीफ बेचारे हैं। देखें, 2013 में सारे हालात ठीक थे, 14 में ठीक थे, 15 में ठीक थे, 16 में उतरा। 2013-14 में भी लोग परेशान थे, उस वक्त भी महंगाई का ही रोना रोते थे। महंगाई में क्या रोना रो रहे थे, 4 रुपए की रोटी थी, आज 15 रुपए की सादी रोटी है, तब रो रहे थे कि आज रो रहे हैं। रोटी हो जाएगी 4 रुपए की इंशाल्लाह। उस टाइम को याद करें जब पेट्रोल 117-118 रुपए पे था, जब जरदारी था, नवाज शरीफ ने आके पेट्रोल की कीमत आपको क्या दी है, 2 महीने 65 रुपए लीटर पेट्रोल चलता रहा, फिर उसके बाद जितनी देर वो रहा 90-92 पे पेट्रोल रहा। इलेक्ट्रिसिटी उसने कहा था मैं बिजली जाती थी, पता नहीं होता था कि कब बिजली का स्विच उन्होंने नीचे करना है। नवाज शरीफ के दौर में तो बिजली आती ही नहीं थी। किसने कहा नवाज शरीफ के दौर में बिजली? शरीफ खान साहब के दौर में तो बिजली कम हुई है। मुझे लग रहा है आप जरा पीछे चल रही हैं थोड़ा सा। नहीं, खान साहब के दौर में तो लाइट जाती नहीं थी। नवाज शरीफ ने कहा मैं बिजली का खात्मा करूंगा, बिजली का खात्मा किया, बिजली आती थी। मैं कहता हूँ कि भूल ही गए थे कि इलेक्ट्रिसिटी जाती भी है पाकिस्तान के अंदर। यूपीएस जितने बड़े बड़े समझेंगे बस बंद ही थे, चार्जिंग पे लगे होते थे दौर में, नवाज शरीफ के दौर में। अब ये देखें लाइट की क्या सूरत हाल है, रेट देख लें, बिलों के रेट कितने ऊपर चले गए हैं। डॉलर क्या स्टेबल किया हुआ था, 100 रुपए पे स्टेबल था डॉलर। आज इमरान खान ने जब उतरा क्या डॉलर क्या रेट था। ठीक है, वोट आपका नवाज शरीफ? वोट नवाज शरीफ का है, पहला वोट भी उनको डाला है, दूसरा वोट भी उन्हीं को डालना है, और इंशाल्लाह जब तक रहेंगे नवाज शरीफ को डालना है। अच्छा चले, ठीक है। मुझे ये बताएं कि हमारा आज का सवाल है, कॉमन सेंस कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? जिसकी एक आंख होती है वो देख नहीं सकती, इस टाइम तो आंख कह लें कि वो अदलिया की है। अच्छा, वो देख नहीं सकती? देख नहीं सकती। क्या किया अदलिया ने? 2016 में नवाज शरीफ को उतार दिया,
अब इमरान खान को उतार दिया, फिर अब वापस ले आए हैं उसको, तो एक हाँक जो नज़र भी आ रहा है उससे भी नहीं देख रही है। अच्छा, अदलिया नहीं देख सकती, अंधी है, अंधी हुई हुई है इस टाइम, अदलिया ब्यूरो जीरो हुई हुई है। No! आप मुझे बताएं कि आप की दुकान है, आप अपने मुनाफे की शरह को कितना कितनी होती है आपकी मुनाफे की शरह? 25% रखते हैं। कभी आपके जहन में आया हो कि मैं इससे थोड़ा सा एक्सीड कर जाऊं? कोई बेचारा बेवकूफ़ कस्टमर भी आ जाता है ना, उसको नहीं पता होता तो क्या करते हैं? शरीफ आए, हमारी शरह 25% है, हमने 25% अपना मार्जिन रखना है, 1000 के पीछे 250 हमारे चार्ज है, वो हमने करना है। ठीक है, चलें, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बस यही पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो कारोबार बेहतर होगा, हर बंदे का रोज़गार, आपको पता है रोज़गार होगा तो खुशहाली आती है, नहीं तो कुछ नहीं होता। ठीक है, आपका खुद का बेहतर होना भी तो ठीक है, खुद का बेहतर होना। आप रूल्स को फॉलो करते हैं? मतलब ये आपकी तो दुकान के बाहर ही रैपर गिरे हुए हैं। तो मेरी दुकान के आगे कहाँ रैपर वो गिरे हुए हैं, ये चलते फिरते लोग जो खा रहे हैं उनको तो आप नहीं उठा लेते? मैं उठा लेता हूँ। अच्छा, तो हेलमेट सब पहनते हैं? सब पहनते हैं। रूल्स को फॉलो करते हैं? सिग्नल कभी तोड़ा है? सिग्नल तोड़ा, 2000 रुपये का चलान भी पड़ा, मेरा चलान अगली, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई ना, अगली दफ़ा सिग्नल नहीं तोड़ा ना हेलमेट उतारा, 2000 रुपये का चलान का यही तो मसला है हमारी आवाम का, हमारी हम जो हैं, जब तक कि हमें कोई सबक नहीं मिलता ना तब तक कि हम ठीक नहीं होते। रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए ना, जब रूल रेगुलेशन नहीं थे हर चीज़, अब देखें, अब निकले रोडों पे हेलमेट के बगैर कोई नज़र नहीं आएगा, लाइसेंस हर एक का बना होगा, ठीक है, इशारे की पाबंदी हर कोई करेगा, चल रहा है ना निज़ाम, ठीक है, इसी तरह निज़ाम चलना चाहिए, यही पैगाम है आपका। पैगाम, चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की और वोट जो है ये नवाज शरीफ साहब को देंगे और इस वक्त जो है ना बस यही लड़ाई चल रही है। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं कृष्णनगर बाजार में। हमारा आज का सवाल है जो कि हम लोगों से कह रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आजकल का जो हॉट टॉपिक है ना वो है वोट, कि आपने किसको वोट देना और क्यों देना है, इलेक्शन आ रहे हैं और 8 फरवरी का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादातर लोग इसी पे बात करना चाहते हैं। लेकिन हमारा आज का जो सवाल है वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती है। चलिए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? उज़्मा। आपका? साइमा। आपका नाम भी उज़्मा? No! साइमा। क्या करती हैं आप दोनों? हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ। इस वक्त आप बाजार में क्या कर रही हैं? इस टाइम शॉपिंग करने आए थे, करने आए हैं विंडो शॉपिंग। औरतें मतलब जाहिर है सारे कहते हैं महंगाई बहुत है, फिर भी शॉपिंग ले आई? इतनी नहीं है जितनी लोगों ने बनाई। विंडो कर रहे हैं, अभी कहीं नहीं है, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या प्राइस। इतनी महंगाई है नहीं जितनी हम लोगों ने बढ़ा दी हुई है, प्राइस देख रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं वो घर में कौन सी औरतों की इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, वैसे तो मर्द भी करते हैं, इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? चश्मा तो नहीं है। एक आंख होगी मोबाइल। मुझे बताएं, आप थोड़ा सा आगे आएं, आपसे बात करनी है। मैं जब आपको देखती हूँ ना टीवी पे, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा। आपको देखे दिल से, दिल की राय, मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का। अच्छा। मेरी फेवरेट होस्ट है। अच्छा, मैं आपको अच्छी लगती हूं? अच्छी, बहुत अच्छी लगती हैं आप। मैं आपका प्रोग्राम जब लगना होता है ना, 2 दिन लगता है ना, तो मैं देखती रहती हूँ बैठ के, इंतजार कर। रेगुलर है ये? रेगुलर मेरा प्रोग्राम 4 दिन लगता है। 4 दिन नहीं, आपका बुध जुमेरात जुम्मे को लगता है। हाँ जी, हफ्ता इतवार भी लगता है। लगता है, वो तो रिपीट होता है ना। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ आपको, जुमेरात से इतवार लगता है शाम 7 बजे। आप सुबह के वक्त देखती होंगी? नहीं, मैं रात को रिपीट रात को भी देखती हूँ दोनों पर। आप अच्छी लगती हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत आप इतना आप प्यार से बोल रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे ये बताएं कि वोट किसको डालेंगी दोनों? अभी तो घर वालों को पता है, हमें नहीं पता इस बात का। अगर हम कुछ कह देंगे तो वो देंगे। वोट उसको डाला जाता है जो मुल्क के हालात हम अच्छे कर दें, बस हमें तो दोनों सहेलियां लग रही हैं आप। हम सिस्टर सिस्टर्स हैं। आप में से बड़ी कौन है, छोटी कौन है? बड़ी हूँ, ये छोटी हैं। ये शरारती लग रही हैं मुझे। हाँ ये हैं, है ना शरारती। बचपन की इनकी कौन सी शरारत आपको याद है? ज्यादा शरारतें करती थी, लोगों की बैलें देके भाग जाती थी। ये तो हमेशा विंडो बेल देके भाग जाती थी। अब तो शादीशुदा है। अच्छा, अब हस्बैंड की बेल बजाती उनकी बेल कहाँ लगी हुई है?
माइंड में अच्छा, यानी आप उनके माइंड से खेल। हाँ जी। तो आप इनको समझाती नहीं है? नहीं, अपने घर में कर रही होती है, मैं देख नहीं रही होती। तो मुझे बताए दोनों में से खाना कौन अच्छा बनाता है? ये भी अच्छा बना लेती है, मैं भी अच्छा बना। अच्छा, आपने इनसे सीखा है? अम्मी से सीखा? मदर से। अम्मी से सीखा। अम्मी है? अम्मी नहीं है। चले, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मुझे ये बताइए कि अच्छा क्या बनाती हैं सबसे खाने में? और आप? ख्याली पुलाव अच्छा बनाती हैं आप। ज्यादा क्या ख्याल किस चीज के आते हैं आपको? सियासत के बारे में, महंगाई का। वो तो कह रही है महंगाई नहीं है, लोगों ने बनाई। नहीं, बहुत है। जितनी लोग है, जहाँ पे पहले कोई सूट होता था 3,000 का, अब वो है कहाँ पहुँच गया, 5,000 का हो गया। तो अभी आप अभी कितना आप अपना बजट लेकर आई हैं आज शॉपिंग कर? 10,000। आप? सेम 10-15,000। तो आप मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी बड़ी बहन से कहा हो तू वड्डी हैगी है तू मैनू दे दे कुछ? वो कहते मैं वड्डी हैगी जरूर हाँ, पर पैसा मेरे को छोटा ही है। ठीक है, तो आप दोनों के बच्चे कहाँ हैं? घर पे हमारे कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है। निकाले देखो, हम दोनों की अम्मियाँ जो है वो निकली हुई है शॉपिंग के लिए, गए हुए हैं हम अपने अपने काम पे। निकले यहीं पे आसपास कहीं करीब रहते हैं? जी जी, गली में घर। गली में ही घर है, ये तो बड़ा फायदा है आप लोग। इसलिए कोई भी चीज़ चाहिए हो बाजार में से जाके ले आते हैं हम। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता होगा इतना शोर महसूस होता होगा? नहीं, इतना हमें एंजॉय हो गई है, आदत हो गई है। अभी आज घर में खाना बना कर आई हैं आप? सब कुछ बना कर। आप? गैस का मसला है, गैस आती है हमारी 5 बजे, तो 5 बजे भी खाना। हुकूमत से ये बहुत बड़ा गिला है कि गैस नहीं आती, चूल्हे पे हांडी रखते हैं तो गैस बंद हो जाती। आपने मुझे कहा कि वोट जो है जो घर वाले जिसको कहेंगे उसको डालेंगे, तो आपकी अपनी भी तो सोच होनी चाहिए, आपका अपना जाती वोट है। हाँ, हमारा भी, हम तो नून लीग को डालेंगे। अच्छा, आप? हम जिसको भी वोट डाले ना, हमें कुछ नहीं मिला। अभी आपने किसको डालना है? जो अच्छा काम कर जिसको डाल देंगे हम। पहले भी हमने डाला उसने कुछ पार्टीज है ना, किसको जिसको भी डाला था। चलें दो पार्टियों को ले लेते हैं हम, नवाज शरीफ को या इमरान खान साहब। इमरान खान उसका तो नहीं है, लेकिन क्या किया खान साहब ने पता नहीं, उसने बेचारे आप बताएं। उन्होंने शादियाँ ही की हैं। शादियाँ करना कौन सी बुरी बात होती है? वो जो सियासत कर उनका ध्यान ही नहीं है और वो उनकी शादियों में घुसे। अच्छा, उनका शादियों पे ध्यान है, उनका सियासत पे ध्यान नहीं है। लेकिन अब तो उनका स्टॉप लग गया है ना। हाँ, अब तो वो जेल में है ना। अच्छा ठीक है, कोई पैगाम देना चाहती हैं? बस ये कि मुल्क का निज़ाम अच्छा कर दें, बस महंगाई कम कर दें, गैस को भेज दें। गैस का बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। स्कूल जाना होता है, ऊपर चाय रखते हैं तो चाय का वहीं पड़ी रह जाती है और बच्चे जाया हो जाती है, ले जाते हैं वो जाया हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, दोनों का। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स, देखा आपने कि इसी तरह हमें बहुत प्यार करने वाले लोग मिल जाते हैं और हम भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, हम अपने देखने वालों से बहुत प्यार करते हैं। आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम बाहर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस भी करते हैं, लेकिन हमारे लिए आपकी एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान क्या करते हैं? हमारा अपना काम है होटल लाइन का। ठीक है, मुझे बताएँ कि ज़ीशान इस वक्त बाज़ार में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, शॉपिंग करने आए हुए हैं। अपनी नहीं, फिलहाल शादी हो गई है, देख सकते हैं। बेगम की शॉपिंग करने आए। बेगम की शॉपिंग करने आया है? कब हुई है शादी? मेरी शादी को हो गई है माशाल्लाह, 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने हुए हैं, अभी तो हनीमून पीरियड ही चल रहा है। हाँ हो गया है शुरू। शादी के बाद कहाँ गए थे? हम गए थे मरी, गए थे हुंजा, चाइना बॉर्डर, सारा घूम फिर के, यानी कि सारा टूर करके आए हैं। मेरा ख्याल है आपकी बेगम मुझे घूर घूर के देख रही है। शायद देख रही है मेरे ख्याल से, लेकिन उधर मुँह किया उसने। अभी देखा उन्होंने यूं मुझे ऐसे स्माइल पास किया। वो देखे कि खुद देख लेके फिर बाद में पता लगे वो गए तुम क्यों लड़की को इंटरव्यू दे रहे थे। नहीं नहीं ऐसी बात, शक्की मिजाज तो नहीं है ये, तो पता आपको दुनिया का असूल है ये। बीवियाँ और शक ना करें, ये कैसे हो सकता है? ना कि लड़कियाँ ही गए आप, लड़कियाँ सब में आ जाता ना। ठीक है, पसंद की शादी है या अरेंज मैरिज? दोनों ही समझ ले, पहले पसंद होगी। जी जी बिल्कुल, फिर अरेंज की हो। जी बिल्कुल। ठीक है, अभी तक क्या अच्छी आदत लगी है अपनी बेगम में? अच्छी आदत ये है कि बंदे की एक रूटीन सेट हो जाती है, यानी कि घर आने की, यानी कि बंदा बाहर की, यानी कि माहौल से बचता है। दोस्त यार कहते नहीं हो जावे रन मुरीद हो गया? ना ना, रन मुरीद नहीं, दोस्त यारों की अपनी जगह, बीवी की अपनी जगह। तो दोस्तों को कितना टाइम देते हैं? दोस्तों का बंदा काम से आता है, दोस्तों को यानी कि एक पर्सन होता है, यानी कि कुछ लोग होते हैं दोस्ती में उनको पूरा पूरा मुकम्मल टाइम दिया जाता है, जिस लिहाज से होना चाहिए। मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी एक आँख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? ना तो वैसे नहीं पता। मुझे तो लगता है बेगम की एक आंख एक्स्ट्रा होती है, आंख घर लोग ही होती है वैसे तो। करना क्या चाहते थे जिंदगी में?
जिंदगी में क्रिकेट खेलना चाहते थे, फिर कुछ नहीं, फिर वो शादी हो गई। शादी नहीं, क्रिकेट खेल रहे कभी भी, लेकिन वो असल यानी कि नेशनल में नहीं, वैसे क्रिकेट खेल रहे अपना। अच्छा। खेल रहे, एंजॉय कर रहे जिंदगी, प्रोफेशन बनाना चाहते थे जी बिल्कुल, लेकिन नहीं हुए। नहीं अब बस एज वगैरह भी काफी हो गया, आजकल तो बहुत बुरा खेल रहे हैं पाकिस्तान। बस वो कल एक मैच देखा हमने, वो शेन अफरीदी का, उन्होंने मैच नहीं जीता क्रिकेट पहले कौन सा जीत रहे, वर्ल्ड कप में देखे उन्होंने क्या हाल किया। देखिए जब मैच लगा तो हम कहते हैं आइंदा के बाद नहीं देखेंगे, लेकिन जब दोबारा लगता है हम कहते हैं मोहब्बत जाग जाती है, लेकिन वो आखिरी बॉल पे जब दिल टूटता तो फिनिश जज्बात, उसके बाद फिर वही कहते हैं नहीं अब नहीं देखना, अब नहीं देखना, बिल्कुल ऐसा ही है। आज बेगम ने कितना खर्चा करा दिया है? अभी जी को तो फिलहाल हो गया 2500 हो गया, बाकी देखते हैं। अच्छा, बेगम को डिसाइड किया है कि कितना खर्चा, या उसने कहा होगा अभी तो शादी के शुरू के महीने, अभी से तुम ऐसी कंजूसी कर रहे हो? नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमारे में ऐसा नहीं है, जितना लगे कोई नहीं। गुस्सा करती है बेगम? नहीं नहीं गुस्सा क्यों करना, गुस्सा नहीं करती। क्या पहली दफा उसके हाथ का क्या खाना खाया बेगम के? मैंने पराठे बड़े खाए हुए, पराठे बहुत खाए हैं। नहीं तो कोई सालन, कोई खीर, कोई इस तरह की चीज बनी है जी? खीर, खीर बनी है तो अच्छी बनाई, चीनी की जगह नमक तो नहीं डाल दिया? ना ना बिल्कुल भी नहीं, मैं कह रहा हूँ एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही खीर बनी, जितना वो कहते नहीं मजेदार, गुड, बहुत मजेदार। पैगाम क्या देना चाहते हैं? यही है कि हक सच का साथ दें, यानी कि आजकल इलेक्शन का आप देख रही चल रहा है, तो यानी कि दे अपनी अपनी राय दे, लेकिन अपने दिल से यानी कि मोहब्बत जगाए, यानी कि हक का साथ दे और सच का साथ दे। ताकि वोट डालेंगे आप? हम नवाज शरीफ को, अभी भी हम वहीं से आ रहे हैं, नारकली में आए हुए, तो हम जलसे से ही होके आ रहे हैं, तो अभी मैं घर आया तो बस। क्या कहा गया जलसे में? यही कहा गया कि यानी कि वाम, यानी कि देखे आप सारा कुछ बेहतर हो गया पहले से, आप देख सकते पिछले कुछ नहीं बेहतर हुआ, अब यानी कि गैस वगैरह हर चीज़ मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि मेंटेन हो रहा है, सड़कें वगैरह आ रही है आपकी, अब गैस आ चुकी है, दो दिन हो गए प्रॉपर गैस आ गई है, पहले जो था ना सिलेंडर के होता था। अच्छा ठीक है, चले आप नवाज शरीफ साहब को वोट? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब को डालेंगे। ठीक है, खान साहब को नहीं डालेंगे? नहीं, उनको वोट मारा पहली दफ़ा बनाया, तो उनको पहले यानी कि बना ही नहीं था, अब इस दफ़ा तो नवाज शरीफ साहब को डालेंगे हम। हमारा अपना यूट्यूब चैनल है फूड एंड फन की दुनिया के नेम से, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम न्यू न्यू व्लॉग्स बनाए और ऊपर आ सके। ठीक है, आप पैसे कमा सके? पैसे ये यानी कि एक फन भी है, यानी कि दिल करता है, यानी कि बंदा ज़रा इंटरेस्ट आता है। क्या दिल करता है? यानी कि बंदा घूमे फिरे, यानी कि अपना यानी कि दिखाए, यानी कि पूरी ब्लॉगिंग करे, यानी कि बंदा एक चीज़ में मसरूफ रहे, यानी कि इंटरनेट का आपको पता, नौकरी ना करे। नौकरी है अल्हम्दुलिल्लाह, अपना काम है, नौकरी तो करनी है, तो करेंगे तो आपको पता अल्लाह ने कहा निकलो घर से कमाओ पैसा आएगा, निकलना चाहिए इंसान को घर से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने कहने के लिए कहा। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी बात सुनी होगी, और नए शादीशुदा जोड़ा है बेगम जो है वो इस कदर मसरूफ़ है शॉपिंग में, और ये भी कह रहे हैं अभी नई नई शादी ना, तो कह रहे हैं करें करें बेगम करें शॉपिंग, यही कुछ अरसे बात कहेंगे बेगम थोड़ा हाथों होला रख लें। चले हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मनमीत सिंह। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। दुकान पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, सही चल रहा है काम, कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक का सब एवं चल रहा है। जबरदस्त। पढ़ाई किया आपने? यंग से लग रहे हैं ना आप, मैंने कहा शायद पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई करके क्या कर लेना, पढ़ाई करके भी इधर ही आना है, वैसे भी इधर ही है, पाकिस्तान में करने का फायदा ही कोई नहीं है। पाकिस्तान से गिले लग रहे हैं आपको? किस बात के गिले होंगे ये बताए? वोट देंगे? वोट देंगे बिल्कुल देंगे। किसको देंगे? खान को देंगे। खान साहब को वोट देंगे? क्यों? बिला वजह, वजह कोई नहीं है, बस देंगे वोट। बिला वजह देंगे वोट? वोट इतना सस्ता होता है? सस्ता नहीं है, कोई मसला नहीं है, खान साहब के लिए सारा कुछ ही चलेगा, सब कुछ चलेगा उनके, सब कुछ चलेगा। तो वो लोग तो कहते हैं सब कुछ नवाज शरीफ साहब ने किया है, तो हम क्यों वोट दें? नवाज शरीफ साहब को देते, जो देते हैं वो चोर होंगे खुद। हाँ, हाँ जी, जो देंगे वो खुद चोर होंगे। क्या आप कहना चाहते हैं जो करप्ट हैं वो उनको देंगे? और इमरान खान साहब कौन से ठीक हैं? नहीं भी ठीक तो वो फिर भी ठीक है, इसी तरह उनकी भी, नवाज शरीफ साहब के जो चाहने वाले हैं उनकी भी तो मोहब्बत है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उनका दिल इसी तरह ही सही है, उनका दिल तोड़ना नहीं चाहिए, वो जिसको दे रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। चलें हम आपकी कॉमन सेंस ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी एक आँख होती है लेकिन आप वो देख नहीं सकती? आइडिया नहीं। नो, आइडिया नहीं है। कोई पैगाम देना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बड़े आप ऐसा लग रहा है जैसे दिल ही नहीं कर रहा होगा बात करने का। ऐसे ही है बिल्कुल, पहले इसी वजह से कह रहे थे। ज़बरदस्ती की हमने आपके साथ? नहीं नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बस आपने कह दिया कुछ बात कर लो, मैंने सलाम दुआ कर लिया। चले बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आपने देखा, हमने इनसे बात की, और कभी कभी ऐसा होता है
इंसान थोड़ा सा अवजार होता है, मैं भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी लोग बात कर लेते हैं, उनकी मोहब्बत है और उनकी रिस्पेक्ट है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो इंजॉय किया होगा, और जैसे कि आपको पता है आजकल हर बंदा सिर्फ एक ही बात करना चाहता है और वो है वोट एंड इलेक्शन। हर बंदा चाहता है कि वो वोट किसी सही बंदे को दे। कुछ लोग कहते हैं जो करप्ट होंगे वो करप्ट लोगों को वोट देंगे, जो सही बंदा होगा वो सही बंदे को वोट देगा, लेकिन कौन गलत है और कौन सही है ये आपने चूज़ करना है समझदारी के साथ। आपका वोट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपने इस वोट को समझें। बहुत सारे लोगों से आज जब मैंने बात की तो किसी ने कहा कि हम तो वोट देना ही नहीं चाहते, किसी ने कहा कि वोट देने का फ़ायदा नहीं है। तो वोट आपने देना है, ज़रूर देना है, और ज़ाहिर है आपने अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना कि आपने अपनी कितनी कोशिश की। चाहे जो मर्ज़ी हो, कुछ लोग कहते हैं सिलेक्टेड चीज़ें हैं, डिसाइडेड चीज़ें हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करें, घर से बाहर निकलें और देखें कि आपने क्या करना है। क्योंकि जब आप वोट नहीं देंगे तो आप खुद ही जो है वो गिला करेंगे कि कल को ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब वोट ही नहीं दिया तो फिर गिला करने का क्या फ़ायदा। आप अगले 5 साल के लिए वोट डालने वाले हैं तो सोच समझ के वोट डालिएगा। आज की जो हमारी लोकेशन थी वो थी कृष्ण नगर बाज़ार। दुकानदार, कारोबारी हजरात सबसे हमारी बात हुई, और कुछ ख़वातीन भी मिली, उनसे भी हमने हल्की फुल्की चिट चैट की, अपना सवाल भी किया। तो सवाल के जवाब की तरफ मैं आ जाती हूँ। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी एक आँख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती है। तो ये ज़रा कॉमन सेंस का भी सवाल था, इसका सही जवाब है सुई। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम यानी कि बूझो तो जीतो देखना नहीं भूलना, जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसी तरह आप हमें प्यार मोहब्बत देते रहे, हम आपके लिए एंटरटेनमेंट लाते रहेंगे। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर कुरैशी ऑफिशियल। तो फीडबैक देना चाहते हैं या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है जो हम लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए सामने लेके आ सके, तो ज़रूर मुझे बताइएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं हाजिर होंगी अगली एपिसोड में एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।